आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में केंद्रीय भीम नगरी महोत्सव समिति ने बिजली घर चक्की पाठ रामलीला मैदान में भीम नगरी महोत्सव का आयोजन किया है। महोत्सव में दूसरे दिन भीम नगरी के मंच पर आदर्श सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इसमें बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध रीति रिवाज से कई जोड़ों का विवाह कराया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में केंद्रीय भीम नगरी महोत्सव समिति ने बिजली घर चक्की पाठ रामलीला मैदान में भीम नगरी महोत्सव का आयोजन किया है। महोत्सव में दूसरे दिन भीम नगरी के मंच पर आदर्श सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इसमें बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध रीति से 51 जोड़ों का विवाह कराया। और जोरदार तालियों से स्वागत करें। और इसके बाद कार्यक्रम में शामिल भीम नगरी महोत्सव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जी एस धर्मेश ने बताया कि कोविड-19 के बावजूद आयोजन समिति सफलतापूर्वक भीम नगरी को आयोजित करने में सफल रही है। भीम नगरी के मंच पर बौद्ध रीति से आदर्श सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 51 जोड़ों का विवाह कराया गया। आज भीम नगरी का दूसरा दिन है और प्रत्येक वर्षों की भांति इस बार भी यहाँ पर 51 जोड़ों की यहाँ पर शादी बौद्ध रीति से होने जा रही है और इसमें बहुत सारे सभी धर्म समाज के जो लोग हैं इसमें, और जानकारी मिली है कि पहले मुस्लिम जोड़े भी हैं इसके अंदर। ऐसा है कि कोविड की वजह से 2020 में भीम नगरी का पोस्टमेंट हो गई थी। भीम नगरी नहीं, सारे जो हिंदुस्तान में सारे कार्यक्रम थे पोस्टमेंट हो गए थे, सब नहीं हो पाए थे। 2021 में जब ये प्रोग्राम हो रहा है तो हम लोग उसी तरह से पूरा ख्याल करके, तो कोविड-19 इस तरह से उसका प्रकोप है उसका पूरा ध्यान देके जो सरकार की गाइडलाइंस है उसको मानते हुए हम लोगों ने कुल 51 जोड़ों की शादी इस बच्चे से करा रहे हैं। आज 16 फरवरी है, 16 फरवरी को भीमनगरी मंच पर, 16 अप्रैल भीमनगरी मंच पर यहाँ शादियों का आयोजन होता आ रहा है हर वर्ष की भांति। इस वर्ष भी तो 51 जोड़ों की शादी इस मंच पर जो हो रही है इस समय, और जो हमारे सामाजिक संगठन हैं उनके माध्यम के द्वारा इन बच्चों को शादी के जोड़े जो हुए हैं उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जा रहा है। और भीमनगरी में आपने देखा होगा कि इस समय कोरोना की गाइडलाइन बड़ी सख्ती से है। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल डॉक्टर बीपी अशोक ने आयोजन समिति को रजत भीमनगरी के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। आगरा में ये पूरी दुनिया के अंदर अलग तरीके का बहुत महत्वपूर्ण और असाधारण कार्यक्रम होता है, जिसके अंदर गरीबों के बच्चों को भी और अमीरों के बच्चों को भी एक उदाहरण पेश किया जाता है, जिसकी वजह से ऐसे परिवारों को जहाँ पर शादी करने में कोई दिक्कत होती है उसको सुलभ कराया जाता है, उनको सहायता की जाती है। और ये करीब 51 जोड़ों का निर्माण किया गया है, एक दोनों पार्टियों को शपथ दिलवाई जाती है। तीन दिवसीय कार्यक्रम में आज ये दूसरा दिन है, यहाँ हमारे 16 तारीख को शादियाँ कराते हैं। ये हमारा 1996 से निरंतर ये कार्य चला आ रहा है, हजारों शादी हम करा चुके हैं बौद्ध रीति रिवाज से। इसमें हर वर्ग हर धर्म के लोग आते हैं, इनकी शादियाँ बौद्ध रीति रिवाज से कराई जाती है। तीन दिवसीय भीम नगरी महोत्सव का 17 अप्रैल को समापन होगा। इस अवसर पर सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। अजय बहादुर, सी न्यूज आगरा।